देखिए ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है सर। पहला बीएड करके यस, बाद विच मास्टर करके ठीक है, पीजीटी के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाऊं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि बीएड पहले करना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री पहले लेनी चाहिए। दूसरी बात, बीएड प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ आप इग्नू से या किसी ओपन यूनिवर्सिटी से साथ साथ में मास्टर डिग्री कर सकते हो, साथ साथ में भी हो सकता है। ये आपने बाद में लिखा है ना, हम चलेंगे साथ साथ, वो वाली बात है। ये बीएड के साथ साथ मास्टर डिग्री आप कर सकते हो, पॉसिबल है। अब तो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम भी आ गया, उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा। तो ये कह रहे हैं बीएड विच सर मैं कॉमर्स ते इंग्लिश कॉम्बिनेशन सही रहेगा। देखो कॉमर्स तो लेना ही पड़ेगा, आपने लिया है, बाद में मास्टर किसकी करनी है, इसकी करनी ही पड़ेगी, एम कॉम आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज कॉमर्स का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा इंग्लिश इसलिए बेटर है कि आप इलेक्टिव इंग्लिश के 3 साल के एग्ज़ाम जो कि 1 साल में हो जाएंगे, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो वो देने पड़ेंगे, और फिर आप पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर पंजाबी से ज़्यादा इंटरेस्ट आपका इंग्लिश में है तो ये आपकी चॉइस है, आपको ये देने होंगे। ये बात भी है कि जब सिलेक्शन टेस्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके अलावा पी एस टेट और सी टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, पार्ट है, हर किसी में है। जब सिलेक्शन टेस्ट होगा उसमें सारा ही इंग्लिश का होगा, दैट इज़ वाई फिर इंग्लिश को ज़रा ज़ोर से पकड़ के रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अगर इलेक्टिव इंग्लिश को लाइटली मत लीजिए, कारण के सिलेक्शन टेस्ट के लिए आप तैयारी करो तो वो ठीक है। अगर आपने इकोनॉमिक्स लेते हो तो आपको इकोनॉमिक्स की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, इसलिए लैंग्वेज बेटर है कि टीजीटी के लिए एलिजिबल जल्दी हो जाओगे ये पेपर देके। दूसरी ऑप्शन आपके लिए ये भी है कि आप बीएड के साथ साथ भी, अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, दूसरी यूनिवर्सिटी का भी पता कर दूंगा, तो आप साथ साथ भी आपके ये पेपर इलेक्टिव पेपर एडिशनल दे सकते हो। अभी तक डेट नहीं आई, जब भी डेट आती है मैं इशू कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा अपनी वीडियो। तो ये है, इंग्लिश बेटर है इकोनॉमिक्स से, क्योंकि उससे आपको जल्दी लेट एलिजिबल होगे, इंग्लिश या पंजाबी में जल्दी एलिजिबल हो जाओगे। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।